आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान फील्ड में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए जांच नाकों में तैनात स्थैतिक निगरानी दल के कार्यों का जायजा लेने चौरई SDM प्रभात मिश्रा एवं SDOP सौरभ तिवारी द्वारा पोस्ट समसा वार्ड में अचौक निरीक्षण किया गया। सिवनी से छिंदवाड़ा बॉर्डर चेक पोस्ट पर निरीक्षण के दौरान चौरई से गुजरने वाले वाहनों की सघन चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही चौरई SDM ने जानकारी देते हुए बताया कि चेक पोस्ट पर सघन जांच की जा रही है। वाहन मालकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सब डिवीजन है उसमें 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं SSP टीम का, समसवाड़ा, चांद और खमार पानी बेरिया, जिसमें आने जाने वालों की सतत निगाह रखी जा रही, चेकिंग की जा रही, किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर इसकी जब्ती भी की जा रही। जो लोग 50,000 से अधिक की राशि ले जा रहे हैं, यदि कोई दस्तावेज नहीं है तो उसकी जब्ती भी की जा रही है। सर अभी ये चेक पोस्ट में कुछ पाया गया सर अभी तक? अभी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। आज इसके पहले 1,00,000 रुपया बगैर उसके कोई दस्तावेज नहीं थे तो वो जब्त किए गए और लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। सर जो जैसा जो भी विभाग है छिंदवाड़ा से संवाददाता विजय सरयाम की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।